एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से 6 to 7 months पहले मैंने जीवा ज्वेलरी का एक रिव्यू वीडियो डाला था, जिसे मैंने खुद ही परचेज किया था कि आफ्टर 6 months जीवा की ज्वेलरी कैसी रहती है। उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सी क्वेरीज और बहुत से कमेंट्स रिसीव होते हैं। ऑल्दो गाइस, आपके जितने भी कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं, मैं साथ साथ में सभी को रिप्लाई कर देती हूँ, बट स्टिल आपकी बहुत सी क्वेरीज हैं, तो आज आपकी सभी क्वेरीज को मैं आंसर करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं जीवा ज्वेलरी को यूज करते हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो आज आपको मैं अपनी वो ज्वेलरी भी दिखाऊंगी जो मैंने 1 ईयर पहले ली थी और जो मैंने 6 to 7 months पहले ली थी। आज उन दोनों नेक पीसेस को मैं आपको दिखाऊंगी कि अब उनकी हालत क्या है। सो इसलिए गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी मिस ना हो सके। सो गाइज, आपको पता ही होगा कि जीवा की जितनी भी ज्वेलरी आती है वो कुछ इस तरीके के व्हाइट कलर के पैक में आती है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको इसी तरीके से मिलता है, और यहाँ पर मैग्नेट है जो कि इजिली ओपन और क्लोज हो जाता है। गाइज, मैं ये ज्वेलरी कभी भी इसके बॉक्स में एज इट इज स्टोर करके नहीं रखती हूँ। इसके साथ जो जिप लॉक बैग्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्हीं में मैं इनको स्टोर करती हूं, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इसी में इन दोनों नेक पीसेस को स्टोर करके रखा हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं वो पेंडेंट सेट दिखाती हूं जो कि मैंने लास्ट ईयर फरवरी के स्टार्टिंग में लिया था, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में लिया था। कुछ इस तरीके का हार्ट पेंडेंट सेट है, ये रोज गोल्ड फिनिश में था, ये इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग नहीं थी बल्कि रोज गोल्ड प्लेटिंग थी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। अगर मैं आपको बहुत ही पास से भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी चेन है, ये इसका पेंडेंट है, जिसे मैं आपको अच्छे से नजदीक से दिखाती हूं। ये देख सकते हैं, और मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूं। इसके आप चेन भी देख सकते हैं गाइज, मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, स्पेशली जो नेक के पीछे का जो हिस्सा होता है वो भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर चेन यहीं से टार्निश होती हैं, क्योंकि हमें स्वेटिंग वगैरह वहां पर ज्यादा होती है। और रोज गोल्ड प्लेटिंग थी इसके ऊपर, बट स्टिल प्लेटिंग आप देख सकते हैं एज इट इज है। हल्का सा डल जरूर हो गया है क्योंकि इसे मैंने बहुत बार वेयर किया है, बट ये टार्निश कहीं से भी नहीं हुआ, और इसे यूज करते हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट पेंडेंट सेट मैंने लास्ट ईयर अगस्त में लिया था, जब मेरी बेटी का बर्थडे था, तो ये मैंने उसे लेके दिया था, और ये कुछ इस तरीके का पेंडेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूं, ये इसकी बैक साइड है, और आप बैक साइड से देख सकते हैं, इसे भी मेरी बेटी ने, इवन कि मैंने, हम दोनों ने काफी वेयर किया है। इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। आप देख सकते हैं कि इसकी शाइन उससे आपको थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये गोल्ड फिनिश में है। ऑल्सो गाइस, इसकी पूरी चेन मैं आपको बहुत ही नजदीक से और बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूं, और आप देख सकते हैं कि कहीं से भी ये टार्निश नहीं हुई है। इवन कि इसे परचेज किए हुए मुझे 7 months हो चुके हैं, और कहीं से भी इसकी जो प्लेटिंग है या इसकी जो शाइन है वो कम नहीं हुई है। अब बात करते हैं आपकी सारी क्वेरीज के बारे में, जो जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सबसे पहली, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या ये ओरिजिनल चांदी है, तो यस गाइज, ये ओरिजिनल सिल्वर है, क्योंकि वहां पर वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी देते हैं कि इसके अंदर 92.5% जो है वो सिल्वर है, सो इसलिए ये ओरिजिनल सिल्वर ही है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या ये जो पर्टिकुलर ज्वेलरी है, इसे आप डेली वेयर करते हो, यानी कि आप इसे डेली वेयर यूज करते हो या नहीं। सो गाइज, मैं इसे डेली वेयर यूज नहीं करती हूं, जब मैं घर के बाहर जाती हूं तब मैं इसे जरूर पहनती हूं, तो मैं इसे अब हफ्ते के 7 दिन तो नहीं पहनती हूं, बट 3 to 4 days मैं इसे यूज करती हूं। ऑल्सो गाइज, मुझे एक ये भी कमेंट आया है कि आप जब अपनी ज्वेलरी को रिटर्न करते हो तो क्या वो आपको रिफंड करते हैं कि उस ज्वेलरी को एक्सचेंज करके देते हैं। सो गाइज, सबसे पहली बात कि अगर 30 days के अंदर अंदर आप अपनी ज्वेलरी को रिटर्न कर देते हो तो वो आपको रिफंड कर देते हैं, बट 30 days के ऊपर आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बट आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि 30 days के बाद उसका 6 months का वारंटी पीरियड चल रहा होता है, तो वारंटी पीरियड में अगर आपकी ज्वेलरी टार्निश होती है, काली होती है, कुछ भी दिक्कत आपको आती है, तो वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपका जो पर्टिकुलर नेक पीस है, आपका पेंडेंट है, उसे रिप्लेस करके नया आपको सेंड कर देंगे। गाइस, जब मैंने जीवा से कॉन्टेक्ट किया तो मुझे एक और इनकी पॉलिसी, जो कि लाइफ टाइम प्लेटिंग की पॉलिसी है,
उसके बारे में भी पता चला कि इन केस अगर 6 मंथ्स के ऊपर हो गए हैं आपकी ज्वेलरी को परचेज किए हुए बट आपकी ज्वेलरी टार्निश हो गई है, सो गाइस 199 रुपीज देकर आप अपनी ज्वेलरी को दोबारा से रिप्लेटिंग करवा सकते हैं अगर आपको परचेज किए हुए 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है तो। ऑल्सो गाइस बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या हम इसे डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं, तो हाँ जी आप इसे डेफिनेटली डेली यूज कर सकते हैं, डेली वेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस मुझे एक कमेंट ये भी रिसीव हुआ था कि क्या नहाते टाइम आपने इसे वेयर करके देखा है कि ये टार्निश होता है या नहीं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिल्वर ज्वेलरी है और इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की गई है, इसीलिए गाइस इसे आपको नहाते टाइम वेयर नहीं करना है। सोप परफ्यूम मॉइस्चराइजर वगैरह को इससे थोड़ा सा दूर रखिए, इसीलिए आपकी ये जो पर्टिकुलर ज्वेलरी है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। और गाइस जो लास्ट कमेंट था वो ये था कि आपकी ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है। सो गाइस सबसे पहली बात तो ये जो जीवा की वीडियोस है कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इवन कि मैंने जब इन्हें परचेज किया था तो वहां पर अगर आप बैक जाके वो मेरी वीडियो चेक करोगे ना तो वहां पर मैंने अपना बिल भी दिखाया है। सो गाइस अगर कोई चीज मैंने अपने ही पैसों से परचेज की है और वो खराब हो गई है तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही होने वाला है, ना कि उस कंपनी को। सो इसलिए गाइस कहीं से भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही मैं ऐसी स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाती हूं जिससे इसलिए गाइस ना तो मैं अपने पैसे वेस्ट करना चाहती हूं और ना ही मैं चाहती हूं कि मेरे किसी भी व्यूअर के पैसे वेस्ट हों, क्योंकि मैं जानती हूं कि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं और किसी के हार्ड अर्न मनी को मैं इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहती। ऑलराइट गाइस आई होप कि मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, आपकी सारी क्वेरीज के आंसर कर दिए हैं। बट स्टिल गाइस अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। सो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।